जय श्री महाकाल, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल पर। मैं अभी चंडी में मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं अभी हरिद्वार के आगे शांति कुंज पर रुका हूँ। तो यहाँ से मैं नहीं निकला अभी तक, अभी भैया और मैं चंडी में मंदिर जा रहे हैं। तो भैया भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ। भाई बहुत धूप रहा है, सोचा था यहाँ धूप नहीं होगा। रात को थोड़ा बहुत ठंडी लगती है, लेकिन दिन में बहुत धूप रहा है और बहुत गर्मी लग रहा है भाई। उसको जलना बहुत मुश्किल हो रही है भाई। रूम पे तो बैठना बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है रूम के अंदर में आग लगी है। अभी उसी धूप में हम जा रहे हैं भाई, ऑटो करके जाना पड़ेगा, पैदल में नहीं जा सकते हम आगे भाई। अभी भैया और मैं यहाँ आश्रम से निकल रहे हैं, तो चलो भाई फिर रास्ते में थोड़ा बहुत कुछ वीडियो बनाएंगे। और पूरा वो पहाड़ियों के ऊपर में आता है ना चंडी में मंदिर, तो वहाँ पर भी थोड़ा कुछ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रुका हूँ। कहीं अभी साइकिलिंग नहीं हो रहा है, तो वीडियो क्या बनाऊँ भाई, कहीं तो जाके घूम के वीडियो बनाना पड़ेगा ना। मेरा भाई सोचा था यहाँ अभी मैं केदारनाथ के करीब पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ इतना धूप नहीं होगा, मतलब गर्मी भी नहीं लगेगा। लेकिन भाई आज 36 डिग्री टेम्परेचर है, तो बहुत गर्मी लग रहा है यार। अंदर में तो रहना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो क्योंकि वो जो रूम पे हम रहते हैं ना, वो छत वाला नहीं है, तो कुछ करकट डाला हुआ है, तो उसमें रहते हैं तो बहुत गर्मी लगता है बहुत, तो रहना मुश्किल हो रहा है। पानी भी पीना भाई मुश्किल हो रहा है, पानी अंदर में नहीं रखते। जब प्यास लगता है तो बाहर आके पानी पीते हैं भाई, पानी रखते हैं तो गर्म हो जाता है। देख लो खुद, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कितना गर्मी है। जय मैं चंडी देवी भैया, और मैं आके चंडी देवी के पहाड़ को पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ भाई देखो नीचे में थोड़ा बहुत लोग हैं, अभी हम लोग को ऊपर जाना है। बिग फैन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भैया ये खड़ा है, वो भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं बना रहे, अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला भाई, क्या करूँ भाई। तो अभी पहले हम ऊपर जाएंगे, तो और भैया और मैं अभी ऊपर जा रहे हैं भाई। लगता है बहुत चढ़ाई मिलेगा, वैसे तो लग रहा है शुरुआत से मेरे को। तो अभी पता चलेगा मेरे को भाई चढ़ाई कैसा है। दो दिन मेरे पास जो दोस्त मेरे पास था ना, तो अभी क्या वो यमुनोत्री जा रहा है, तो वो मुझे अभी कॉल किया था। वो बोला था भाई कहाँ पे अभी हो, मैं बोला कि उसको हरिद्वार पे हूँ। वो बोला कि कहाँ निकले हो भाई, मैं बोला कि 7 तारीख को सुबह निकल जाएगा, 3 दिन लगेगा वहाँ गोरीकुंड तक, उसके बाद वहाँ से पैदल में जाना पड़ेगा। तो वो बोला कि भाई उससे ज़्यादा लग गया है, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। मैं बोला भाई चलो जो होगा देखा जाएगा। मेरा भाई जब मैं घर से शुरुआत किया था मेरा साइकिल यात्रा, तो मेरे को लग रहा था जो झारखंड क्रॉस किया था जो पहाड़ों, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि केदारनाथ पहुँचने के लिए ऋषिकेश से गोरीकुंड तक जो 220 किलोमीटर है या 210-215 कुछ होगा, तो मैं अंदाजा लगा के सोच रहा हूँ कि 3 दिन मेरे को लगेगा। लेकिन अभी ये जो चढ़ाई देख रहा हूँ, इसके हिसाब से मुझे तो लगता नहीं इतना जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा। समझ में नहीं आ रहा भाई, पहली बार जा रहा हूँ, तो ऐसा अपने हिसाब से मैं अंदाज़ा लगाया, लेकिन इतना तो कन्फर्म नहीं हूँ कि मेरे को 3 दिन लगेगा वहाँ साइकिल लेकर पहुँचना, क्योंकि अपने साथ साइकिल और सामान को लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मैं कन्फर्म हूँ, तकलीफ बहुत होगा, क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ ना साइकिल लेके, तो उसका रास्ता जो मेरे को मालूम नहीं है भाई, तो अपने मर्जी से जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा भाई। शुरुआत से जो चढ़ाई था सड़न चढ़ाई था, तो अभी तो इतना नहीं लग रहा है कि ज़्यादा चढ़ाई है, अभी रास्ता सही से चल रहा है। लेकिन पहले तो शुरुआत था वो बहुत चढ़ाई था, मतलब सडन चढ़ाई था, वैसे चढ़ाई आ जाएगा तो 3 दिन का 3 महीने लग जाएगा हमको पहुँचने के लिए गोरीकुंड तक। मेरे भाई अभी एक गलती हमने कर दिया, जो बैग भी नहीं लाए और पानी बोतल भी नहीं लाए, तो इतना पहाड़ के ऊपर में पानी मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है। तो भाई और एक बात भाई, पहले मैं अकेला था, मेरे को वीडियो बनाने लेकिन तकलीफ हो रहा था, अभी भैया है तो मेरे को इतना तकलीफ नहीं हो रहा, क्योंकि बैक साइड में वीडियो बनाना मतलब देखने के लिए अच्छा भी लगता है, और लुक भी साइड का जो थोड़ा बहुत आता है। अभी देख लो भाई, थोड़ा साइड में दिखा दो भैया, तो कितना ऊपर में हम आ गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई ऐसा बोले तो ये ऊपर कुछ भी नहीं है, बस अभी तो ये शुरुआत है, पूरा केदारनाथ जाना है भाई। सोच लो भाई कितना ऊपर हमें जाना है। तो भाई बहुत प्यास लग रहा है और बहुत गर्मी भी हो रहा है भाई। अभी हम पैदल में इतने धूप में चल चलते आके चंडी में मंदिर में पहुँच गए, बस ज़्यादा दूर नहीं है, और थोड़ा सा दूर के पास हम पहुँच जाएंगे माँ चंडी देवी के पास। जय माँ चंडी देवी। तो भाई फिर से भाई एक बात बोल रहा हूँ भाई, मेरा हिंदू भाई तुम लोग सो रहे हो क्या, कम से कम अब तो उठ जाओ मेरे भाई। और इतना धूप में इतना मेहनत करे हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा भाई, थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो या लाइक करो भाई, इतना बोलूँगा भाई।
बस ये वीडियो थोड़ा देख लो, बस हम भी देख रहे ना, ऐसे नया नया जगह पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी बस मैं दिखाना चाहता हूँ भाई। अभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई ऐसे हिंदू भाई बोलने से तो आप लोग नहीं सुनोगे, मुझे पता है। बस ये मेरा फालतू का मेहनत हो जाएगा। तो चलो भाई मैं भी देख रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा देख लो नया नया जगह, मैं जैसे देख रहा हूँ ना, तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलो भाई पहले ऊपर जाते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है, बैठ जाओ क्या। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट लेके जा रहे हैं, बस ऐसे लोग ये नहीं इसको बनाए तो डर लगता है पैर फिसल ना जाए भाई। ओह अरे यार यहाँ से कैसे उठ रहे हैं। ओ देखो देखो भैया, वो देखो अभी वो तो चले गए, मुझे कैसे जाना है यार, कितना ऊंचाई से और डर बहुत लगता है यार। तो भाई मेरे को वीडियो बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है भाई, मेरा तो रेडमी नोट 12 प्रो 5G, तो मेरा मोबाइल में सिस्टम है कि ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा तो वो ऑटो शटडाउन हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो भाई अभी एक मस्त वीडियो बनाया था, लेकिन उसको एक्सपेक्ट करने से पहले ही मेरा ओवरहीट होकर ऑटोमेटिकली शटडाउन हो गया, तो वो वीडियो कैंसिल हो गया। तो वो वीडियो थोड़ा खतरा था, मतलब किस खतरे में मैं शॉर्टकट लेके आ रहा था, भैया जैसे आ रहे थे तो भाई बना नहीं पाया, क्या करूँ भाई, इतना मेहनत से बनाया था लेकिन वो कट गया भाई। चलो भाई किस्मत तो नहीं है, फिर सोच रहा था मेरे को मिल गया भाई रास्ता, वो मतलब अपना मुकाम पे पहुंच गया, लेकिन भाई फिर भी वो रास्ता घुमा घुमा के पता नहीं और भी बहुत दूर है, तो भाई जाना है, लेकिन इतना धूप में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। इतना तो ऊपर हीट हो रहा है कि मोबाइल कैमरा भी नहीं चलता भाई, कैसे वीडियो करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बीच बीच में ऐसा बेड के नीचे बैठ के थोड़ा मोबाइल को कूलिंग करते हैं ऐसा हवा में, टावल में, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे। अभी थोड़ा कूलिंग हो गया, अभी वीडियो बना रहा हूँ, फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, फिर रुक जाएंगे भाई, ऐसा करना पड़ेगा। तो चलो भाई ऊपर चलते हैं भाई। भैया कैसे भाग रहे हैं भाई, क्या करूँ मैं तो, मेरे को तो भागना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, और एनर्जी नहीं है, सब कुछ भैया के वजह से हुआ है। पानी बोतल नहीं लाए हैं, बैग भी नहीं लाए हैं, गला सूख रहा है, मोबाइल का गला भी सूख गया है, वो भी मरने मरने जैसा हो रहा है, हम भी मरने मरने जैसे हो रहे हैं, तीनों को तीन मरने जैसे हो रहे हैं, लेकिन किसी को पानी नहीं मिल रहा है, क्या करें भाई, अभी किस्मत फूटी है। भैया को देखो अभी वो भी शॉर्टकट ले रहे हैं, मैं भी शॉर्टकट लूँगा। कहाँ भाग रहे हो भाई, देखो यही से शॉर्टकट में, देखो भाई एक बार गिर गया ना यहाँ से नीचे तो भाई जिंदा बचना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। देखो भाई यहाँ कैसे भाग रहे हैं, वो तो शूज पहने हैं, मैं स्लीपर पहन के आया हूँ भाई, इतना गर्मी बहुत तकलीफ हो रहा है ना शूज़ पहनने के लिए, और इनका भी स्लीपर नहीं है, तो वो जहाँ भी जाते हैं शूज़ पहन के जाते हैं। ओ भैया मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या भैया आईडी, कौन सा आईडी, वीडू का ओनली वन ब्लॉगर, ओडिशा से आए हैं, साइकिल ट्रैवल करते हैं। मेरे भाई बहुत प्यास लग रहा था और ऐसे भी गला पूरा सूख रहा था, लेकिन ये भैया ने थोड़ा पानी दे दिया भाई, गला थोड़ा भीगा भीगा हो गया, लेकिन भैया का गला ऐसे सूखा है तो वो अभी तो पानी नहीं पिए हैं, बस अपना मुँह में पानी डाला है, ना ही भैया ना ही मोबाइल, बाकी सब ऐसे ही पास में बैठे हैं भाई। चलो पहले ऊपर पहुंच गए यार, यहाँ आके ऊपर में पहुंच गए, अब यहाँ पर छोटा बहुत दुकान है छोटा मोटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लस्सी ऐसा कोई दुकान है, तो यहाँ तो थोड़ा तंबू लगाए हैं, तो यहाँ थोड़ा छाया है, अभी थोड़ा सुकून मिल रहा है। भैया कहाँ गए, अरे यार भैया तो वहाँ रुक गए, बहुत दूर में भैया है, भैया आ जाओ, समझ नहीं आते कहाँ कहाँ रुक जाते हैं, मेरे को बोलते नहीं है, फिर वो आगे मैं आगे आ जाता हूँ, फिर उनको ढूंढता हूँ भैया कहाँ गए, भैया सही नहीं यार। अब ये भैया आ गए अपने पास पहुँचे, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ तो पूरा का पूरा छाया है, लेकिन फिर भी गर्मी लगता है यार, इतना धूप में और इतना लोग यहाँ हैं भाई, बहुत गर्मी लगता है। चप्पल कहाँ रखना है, ऊपर नहीं लेना है भैया, यहीं पर चप्पल रखना है, तो चप्पल यहीं पर रखना है। चलो तो भाई हमको यहाँ पे चप्पल रखना पड़ेगा, चलो उस साइड पे चप्पल रखते हैं, वहाँ बीच में मत रखो भैया,
यहाँ साइड में, यहाँ नीचे रख देते, यहाँ नीचे या ऊपर में रखेंगे, मैं ऊपर ऊपर रख लूँ। तो मेरा चप्पल यहीं पे रख दिया यार, अभी वहीं पे सेकंड में रख लो, सेकंड में अपना है ना, वहीं पे रख लो। तो भाई अपना चप्पल यहाँ पर रख गया भाई, अभी ऊपर जाएंगे यार। जय माँ चंडी देवी। पता नहीं हमको तो लगता है ऊपर आके पहुँच गए, लेकिन फिर भी अभी रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ सब कुछ पूजा की सामग्री सब कुछ बेच रहे हैं, और यार यहाँ तो लस्सी भी मिलता है, लेकिन ये सब नहीं पीना है भाई, उसके बदले कुछ पानी पी लेंगे तो वो सही रहेगा। अरे यार ये तो अभी तो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, लेकिन फिर भी इतना ऊपर में होने के बाद भी बहुत दुकान है यार, अभी तो ये शुरुआत है ऐसा लग रहा है, अभी ऊपर में और बाकी है। मेरे भाई लग रहा था कि यहाँ इतना लोग नहीं है, तो ये तो नीचे से लग रहा था, लेकिन बीच बीच में बहुत लोग बैठे हैं और ऊपर आके बैठे हैं सब, क्योंकि इतना धूप हो रहा है ना, तो बीच में ऐसा कुछ बैठने के लिए छाया नहीं है, तो सब में भी जो आ रहे हैं यहाँ माता देवी को दर्शन करने के लिए, वो यहाँ आके छा के बैठते हैं, तो इतना जो चढ़ाई करके आते हैं ना बहुत थकान हो जाता है। तो अगर फिर से देखो भैया, भैया कहाँ खो गए, ओ नीचे आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि अभी नया नया स्टार्ट करेंगे, इसमें घुस के जाना पड़ेगा और इसमें निकालना है, अभी इसमें घुस के हम जा रहा हूँ। भैया तो पहले आगे चले गए, अरे यार यहाँ तो पूरा लाइन का सिस्टम है यार, यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ठंडी लग रही है, पता नहीं है, और नीचे से इतना ऊपर तक बहुत गर्मी लग रहा था। चंडी देवी माँ के पास पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ तो हो जाए। जय माँ चंडी देवी की, जय माँ चंडी देवी की, जय माँ चंडी देवी की। भाई बहुत मजा आ रहा है, इतना तो नीचे से ऊंचाई तो पैदल मार रहे हैं, इतने धूप में भाई इतना तकलीफ झेल के आ रहे हैं भाई, पता नहीं कितने वक्त लोग यहाँ आते हैं माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। तो भाई इतना ऊंचाई से चढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है ना, यहाँ पहुँचने के बाद सब पता चलता है सबको, तो वही सुकून बुक करने के लिए अभी जा रहे हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं ना। तो भाई देख लो भाई कैसे कैसे घूम के जा रहे हैं, तो ज़्यादा तो वाइड नहीं है, इतने से ही सब कुछ घूम के जा रहे हैं। तो भाई अभी चंडी देवी में आगे तक पहुँचने वाले हैं, वही दर्शन मिलेगा हमको, तो भाई फिर से कुछ कुछ हो जाए। जोर से बोलो जय माँ चंडी देवी की, जय माँ चंडी देवी की, जय माँ चंडी देवी की। ऐसा लग रहा था हम ऊपर पहुंच गए, लेकिन ये बस दिमाग में सोचने वाली बात है कि हम ऊपर में पहुंच गए, लेकिन और बहुत चढ़ाई है, अभी तक 15-20 मिनट ही हो गया कि अभी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बस ये दिमाग में लग रहा था कि हम पहुंच गए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं पहुंचे, और भी बहुत चढ़ाई है देखो ऊपर तक। अभी माँ चंडी देवी के दर्शन हमको हो जाएगा, बस 2-4 मिनट के काम बाकी है, बस 2-4 मिनट के बाकी है, अभी इतना मेहनत करके इतना नीचे से ऊंचाई तक आए, तो अभी तो कुछ हो जाए। जय माँ काल महाराज की, जय माँ काल महाराज की, जय माँ काल महाराज की। अभी मैं यहाँ से थोड़ी दूर से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बस बाकी जितने भी दर्शक आए हैं तो देखने के लिए गए, तो उनका सब सर दिख रहा है, तो अभी माँ दिखाई नहीं दे रहे, बस थोड़ी देर की बात है, अभी पास जाएंगे तो आप लोग को मैं दर्शन करूँगा और आप लोग को भी दर्शन करवाऊँगा। तो इतना दूर आया हूँ सिर्फ मेरे लिए नहीं आऊँ भाई, आप लोग को भी मैं दर्शन करवाऊँगा। मेरा भाई माफ़ कर देना मेरे को, मैं बहुत कोशिश किया वहाँ वीडियो बनाने के लिए, कि नहीं इनका जो रूल है वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो भाई सिर्फ मैंने ही दर्शन कर लिया, बस अपने दिल में माँ को दर्शन कर लो तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे, तो क्या करूँ भाई, बहुत कोशिश किया, उनको रिक्वेस्ट भी किया, तो उन्होंने भी जो बोले सही है, जो रूल सबके लिए होता है। तो भाई मैं दर्शन कर लिया और मेरे को प्रसाद भी मिल गया, और मैं प्रसाद लेके बाहर जा रहा हूँ, तो चलो भाई और थोड़ा बहुत कुछ दिखाता हूँ पहाड़ियों का, तो अंदर में माँ को तो आपको नहीं दिखा पाया, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना भाई, थोड़ा दिल से माँ को ढूंढ रहा, आप लोग को मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो बनाने के लिए मिल रहा है वो भी मैं आपको वीडियो बना के थोड़ा दिखाता हूँ, तो वहाँ तो जो मेन माँ जहाँ है तो वहाँ वीडियो बनाने के लिए परमिशन नहीं दिया, तो जो भी मिलता है भाई आप लोग को मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कुछ। जय माँ चंडी देवी, जय बजरंग बली की जय।
देखो मंदिर के अंदर में भी थोड़ा साइड में जैसे छोटा सा गली जैसा है, तो वहाँ पे बहुत दुकान लगी है। और भैया कहाँ गए मेरे को नहीं मिल रहे, पता नहीं आगे चले गए या पीछे रह गए। तो चलो भाई पहले मैं आगे जाके रुक जाऊँगा, नहीं मिलेंगे तो आगे मिल जाएंगे तो सही है, नहीं तो फिर कहीं ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा उनको। भैया थोड़ा साइड दीजिए भैया, तो यहाँ शायद पीने का पानी मिल जाएगा। देखो भैया आ रहे हैं, कहाँ थे भैया? भैया कहाँ थे? अभी कितना देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पीछे ढूंढा नहीं मिले, फिर आगे आगे ढूंढा फिर नहीं मिले। कहाँ से? हाँ वैसे तो आए ना। चलो भाई दर्शन अभी हो गया, अभी हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। वहाँ पानी पिए? हाँ वहाँ ऊपर में टैब लगा था, अच्छा पानी था। अरे यार अभी भैया पानी पीने के लिए ऊपर जा रहे हैं, बहुत प्यास लगी है भाई। अभी मैं पानी पी के आ गया, भैया को पता नहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और फिर वापस जा रहे हैं पानी पीने के लिए। देख लो भाई शूज का ही दिक्कत है, सास पहनो शूज पहनो भाई, अपना चप्पल ला जाए पहन ले बात खत्म। इनको मैं पहले से बोला हूँ एक चप्पल खरीद लो, लेकिन ये तो सुनते नहीं है। तो भाई अभी दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो भाई बहुत भूख लगी, लगभग साढ़े दिन बच गया। अभी चना खा रहे हैं तो बहुत टेस्टी भी लग रहा है, नींबू भी सब कुछ चाट के नमक डाल के और मिर्ची सब कुछ डाल के खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और एक मंदिर बाकी है भाई, हमने ध्यान नहीं दिया था, वो देखो वहाँ पे एक मंदिर आता है, वहाँ पे फिर जाना है, इसको खाना खा के फिर वहाँ जाएंगे। मेरे भाई हम वहाँ माँ चंडी देवी मंदिर से वापस चले गए, तो हमको यहाँ इतना ध्यान नहीं था। तो अंजना देवी मंदिर यहाँ भी है, तो अभी अंजना देवी मंदिर को हम जा रहे हैं, तो हम ध्यान नहीं दिए थे, गलती से वापस जा रहे थे। तो अभी मंदिर तो ऐसे बोले तो उत्तराखंड का देवभूमि बोलते हैं, तो अभी जहाँ भी आप जाओगे दर्शन के लिए सब कुछ पहाड़ी के ऊपर में आएगा, और वैसा सुकून भी मिलेगा मेरे भाई। एक बार कभी आओ रियलिटी में आओ कभी, तब पता चलेगा भाई कितना सुकून मिलता है यहाँ। मुझे सच बोला तो मैं इतना मेहनत लग रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद बहुत सुकून भी मिलता है मेरे को। दूर से इतना मेहनत करके आऊँ तो सुकून तो भोगना पड़ेगा ना। जय माँ अंजना देवी। मेरे भाई अभी मैं पहुँचने वाला हूँ मंदिर पे, तो इस मंदिर को थोड़ा सा अंदाजा नहीं दिया था, वापस हम जा रहे थे, फिर यहाँ पे आगे थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर आ गए और यहाँ आगे पहुँच गए, अभी दर्शन करेंगे। लेकिन पहले से मैं बता रहा हूँ, पता नहीं यहाँ वीडियो करने के लिए देंगे परमिशन या नहीं देंगे, तो वहाँ जाने के बाद हमको पता चलेगा। यहाँ भी वैसा ही कुछ सिस्टम है, यहाँ भी ऊपर जा रहे हैं, हाँ परमिशन नहीं है, परमिशन लोग नहीं मिल रहा लोग। ओ अच्छा सब्सक्राइब कर दो भैया को, भाई भैया को सब्सक्राइब करो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिमाग की ठंड मत लगा, चैनल के एंड बेल आइकन दबा दो, ओनली वन ब्रो। तो भाई ऐसे से भाई लोग मिलते हैं ना बस सुकून लगता है यार, तो आप ऐसे बोले तो भाई ऐसे भाई लोग मिलना बहुत जरूरी है भाई। भाई अब यहाँ के मंदिर में आके पहुँच गए, वो भैया आगे चले गए। जय माँ अंजना देवी। तो मैं भी तो दर्शन कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा दर्शन कर लो भाई, कितना तो मेहनत से आया हूँ, तो मैं दर्शन करता आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। भाई थोड़ा बहुत भीड़ है, देखना मुश्किल हो रही है। भाई इस मंदिर में क्या लिखा है, मनोकामना वृक्ष, यहाँ वृक्ष पर मनोकामना के धागे बांधे जाते हैं, तो देख लो भाई कितना धागे बांधे गए हैं। जय श्री महाकाल महाराज की। देख लो मेरा भाई ऊपर से नीचे तक कैसा लुक आ रहा है, तो ये कुछ नहीं भाई, बस ये तो शुरुआत है, बस ये हरिद्वार का थोड़ा बहुत कुछ है, तो अभी तो केदारनाथ बाकी है। हर हर महादेव। पूजा की थाली जोत मन की जगाली। जय माता दी दोस्तों। चलो भाई अभी भैया और मैं दोनों मंदिर का दर्शन कर लिए, अभी वापस जा रहे हैं, अभी चार बज गए लगभग। क्या बात है भैया, चुप चुप के कुछ बता रहे हैं तो उनके बाद सुनना है ना। चलो भाई भैया हम भी दर्शन कर रहे हैं ना। सब मेरे सनातन भक्तों दर्शकों को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो,
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हर हर गंगे लिख के भेज देना, जिससे हमको हौसला आए। जय माता की। जय माता की। भैया अभी जो बोले सबसे बहुत बड़ी कड़वी बात है भाई, तुम्हारा एक एक कमेंट में ना हमको बहुत हौसला मिलता है, बहुत दम मिलता है हमको आगे जाने के लिए। कितना भी चढ़ाई क्यों ना आ जाए, एक एक कमेंट में बहुत हौसला मिलता है हमको आगे जाने के लिए। तो भाई कम से कम उतना तो करना है। अब देख लो मेरे भाई, फिर से दोबारा वही सकड़ और वही रिक्स। बहुत रिक्स है भाई, क्योंकि भाई इतना मतलब उनके कौन जाएगा भाई, बहुत तकलीफ मिलता है उतना के जाने के लिए। फिर से देख लो भाई, ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो मिल जाता है लेकिन रिक्स बहुत मिलता है भाई इसमें, शॉर्टकट से ज़्यादा रिक्स इसमें मिलता है। तो हाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ थोड़ा तकलीफ मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ बहुत रिक्स है। जय श्री महाकाल। पहुँच गया मेरे भाई। अरे भाई ये भैया के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ये सिर्फ शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। देखो भाई यहाँ रास्ता नहीं ही नहीं भी, यहाँ एक भी रास्ता नहीं, फिर भी ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। अभी भैया और मैं दोनों नीचे के नीचे पूरा आ गए, लेकिन भाई जब वहाँ से रूम से यहाँ आए थे भाई 30 रुपया दोनों का, 30-60 रुपया लिया था। अभी एक ऑटो वाले को पूछे तो भाई वो बोला है 300 रुपया भाई, जब 30 रुपया लिया था अभी बोल रहा है 300 रुपया भाई। एक जीरो बढ़ गया उसमें, 1-0 30 में 1-0 बैठ गया भाई, 300 रुपया हो गया। दिमाग घूम हो जाता है ऐसे, जैसे पैसा बोलते हैं ना, दिमाग पूरा घूम हो जाता है भाई। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, दूसरा कोई ऑटो आएगा तो उसको पूछना पड़ेगा। मेरे भाई भैया और मैं जहाँ घूमने के लिए गए थे अभी आके वापस रूम पे पहुँच गए हैं। तो भाई बहुत मज़ा आ गया भाई, इतना पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत मज़ा आता है। अभी तो शुरुआत है भाई और बहुत बाकी है केदारनाथ जाने के लिए, तो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई बहुत रेस्ट हो गया, अभी इतना रेस्ट नहीं करना है। हम तो सोच रहे हैं भाई 3 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बंदा पहले गया है वो बोला कि ज़्यादा दिन लगेगा, बहुत चढ़ाई है। तो वहाँ जाने के बाद हमको पता चल गया। तो भाई चलो भाई आज जितना जो हो गया भाई, बहुत लंबा भी वीडियो बन गया है मेरा, यहीं पे मेरा ये छोटा सा वीडियो बंद करता हूँ। जय श्री महाकाल।